Students, I'm here in front of you with another new topic for class 12th. I'm explaining this topic only for class 12 because in this time of corona COVID-19, CBSE has declared the new pattern for class 12th for letter writing, and other portion is declared in the class 11th. Okay, so both are separated here. That's why I'm telling you this one is only for class 12th, because it has some points, some topics of business or official letters. So it is only for class 12th. Okay, so let's start then. First of all, I would like to explain you means which types of letters will come in your examination, business or official letters, and these are based on verbal and visual input. It means verbal or visual type of letters will come. आपके सामने कोई भी लैंग्वेज टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, या फिर आपको कोई पिक्चराइजेशन क्रिएट करके तब आपको कोई क्वेश्चन उसके ऊपर दिया जा सकता है. ओके, सो फाइव पॉइंट्स आर देयर ओनली फॉर यू क्लास ट्वेल्थ. फर्स्ट इज फॉर मेकिंग इंक्वायरीज. इंक्वायरी लेटर है ये, आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंक्वायरी करनी है उससे रिलेटेड है. मैं डेप्थ में आपको आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट इज़ फॉर रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स. दिस इज़ द कंप्लेंट लेटर. मीन्स आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो वो ख़राब निकल जाती है, उसकी कंप्लेन कर रहे हैं. आपके सोसाइटी में कुछ हो रहा है उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं. आपके स्कूल अथॉरिटी में कोई प्रॉपर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, आप उसके लिए कंप्लेन करें. एनी टाइप ऑफ कंप्लेन इज़ गिवन हियर इन दिस टाइप ऑफ लेटर. नेक्स्ट इज़ आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन. किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन को पूछना या देना, आप इसमें इंक्वायरी को भी ऐड कर ही सकते हो. मीन्स सम दीज टू पॉइंट्स आर कोरिलेटिंग विद ईच अदर. ओके, नेक्स्ट इज़ प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाइज. यहाँ पर आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो उसके लिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो उस ऑर्डर को कैसे प्लेस किया जाता है एक लेटर के थ्रू, तो यहाँ आपको सीखने को मिलेगा. और उसके रिप्लाइज जो हैं वो कैसे सेंड किए जाते हैं, मीन्स आपने किसी को ऑर्डर के लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक लेटर लिखा और आपको वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, या फिर वहाँ से कोई आपको लेटर आ रहा है तो आप उसका क्या रिप्लाई सेंड कर रहे हैं. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दिस वन. ओके, लेटर्स टू स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटी. यहाँ पर स्कूल और कॉलेज अथॉरिटी को एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू है, कुछ भी है, आपको किसी चीज़ की नीड है, किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप ये स्टेप के लेटर्स लिख सकते हैं. रिगार्डिंग एडमिशंस, एडमिशंस के रिगार्डिंग स्कूल इश्यूज, कोई स्कूल का इश्यू है उसके लिए रिक्वायरमेंट है, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेज है, किसी भी कोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है आपको या कोई भी सुटेबिलिटी चाहिए, तो उन सब प्रॉब्लम्स को आप यहाँ इस टाइप के लेटर्स में शेयर कर सकते हो. ओके, सो द लास्ट लाइन इज़ गिवन हियर. तो आप इसमें देखिए मार्क्स भी डिवाइड किया गया है. आपका मार्क्स फॉर्मेशन क्या होगा, फॉर्मेट जो होगा वो होगा 1 मार्क का, कंटेंट होगा 2 मार्क का, 2 मार्क्स का, और एक्सप्रेशन भी होगा 2 मार्क्स का. क्लियर, ये जो है 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि इस बार CBSE ने क्या डिक्लेयर किया है कि 10th हो या 12th हो दो या 11th या 9th कोई भी क्लास हो, उसमें 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं. एग्ज़ाम जो होगा उसके 2 पार्ट्स होंगे. फर्स्ट पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट में 40 मार्क्स का होगा, और सेकंड पार्ट जो होगा वो भी 40 मार्क्स का होगा. उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स डिवाइडेशन किया गया है, तो वो क्वेश्चन एक्सटेंड होने की वजह से ये मार्क्स जो है वो कम कर दिया गया. लास्ट ईयर इट वॉज ऑफ 6 मार्क्स. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर स्लाइड. इन दिस स्लाइड आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर. आपको एक ईजिएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी. आप अपने टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर आप ये याद रखिए कि इसके 7 स्टेप्स होते हैं, ओनली 7 स्टेप्स. ओके, फर्स्ट इज सेंडर्स एड्रेस, मीन्स कि आपका एड्रेस आएगा यहाँ, और उसके बाद में आपको 1 लाइन लीव करते हुए डेट मैंशन करनी है. उसके बाद अगेन 1 लाइन लीव करते हुए आपको रिसीवर से एड्रेस लिखना है, मतलब आप जिसको वो लेटर सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आपको यहाँ मेंशन करना है. और फर्स्ट थिंग इज़ टू बी रिमाइंडेड कि आपको ये जो एड्रेस लिखना होगा
वो एड्रेस जो होगा आपका 3 लाइन्स या 2 लाइन्स में होना कंपलसरी है. ओके, देर इज़ नो रूल टू राइट द सिंगल लाइन एड्रेस. ओके स्टूडेंट्स, सो रिमेंबर दिस वन. नेक्स्ट इज, आफ्टर लिविंग अ 1 लाइन यू हैव टू मैंशन द सब्जेक्ट इन अ फ्रेज. ओके, बिकॉज आप कंप्लीट सेंटेंस लिखते हो तो इट बिकम्स वेरी लॉन्ग सेंटेंस, सो आपको फ्रेज में लिखना ही बेटर होगा. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. आफ्टर लिविंग अ 1 लाइन आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू मैंशन सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन ऑन और फॉर यू आर राइटिंग दिस वन. ओके, एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज कंटेंट. एग्जैक्टली, दिस इज द मेन पार्ट बॉडी ऑफ द लेटर. ये जो होगा कंटेंट आपका 3 पैराग्राफ्स में होना कंपलसरी है. 3 और 4 पैराग्राफ्स होने कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख देंगे तो वहाँ आपका एक्सप्रेशन जो होगा वो डाउन हो जाएगा और वहाँ आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. तो इसमें कंटेंट जो होगा आपका 3 पैराग्राफ्स किस अकॉर्डिंग होगा. फर्स्ट पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन. आपको यहाँ आपका इंट्रोडक्शन, आपका मतलब पर्पज़ क्या है ये लिखने का, तो वो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा. उसके बाद में एक्सपोज करना है आपको अपनी पूरी प्रॉब्लम को, जो भी आप मीन्स इंक्वायरी कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, या फिर आप किसी की कंप्लेन कर रहे हैं, तो उसका पूरा मेन पोर्शन जो होगा वो सेकेंड पार्ट में होगा. कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन में हमें मेंशन करना होता है कि हम अवेयरनेस है, वार्निंग है, सजेशन है, रिक्वेस्ट है, वो सब कंक्लूजन के अंदर आता है. ओके, एट लास्ट आप उसके बाद में थैंक यू वगैरह भी मेंशन करते हैं. ओके, रिगार्डिंग लाइन भी आपको मेंशन करनी होती है, वो भी कंक्लूजन में ही आएगी. और उसके बाद आफ्टर लिविंग अ सिंगल लाइन आपको सब्सक्रिप्शन मेंशन करना है. सब्सक्रिप्शन जो होता है उसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिए, योर्स जो है, योर्स काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं इसको मींस पजेसिव प्रोनाउन जो होती है आपकी, ये वही यहाँ पर बना देते हैं. यहाँ पर योर्स जो है आपको इसमें कोई अपोस्ट्रॉफ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख रहे हो. शॉर्ट फॉर्म जहाँ होती है वहाँ आपको अपोस्ट्रॉफ यूज़ करना होता है, या फिर कोई पजेशन क्रिएट करने के लिए आपको अपोस्ट्रॉफ यूज़ करना होता है. लेकिन यहाँ हम कौन सा केस यूज़ कर रहे हैं, आपने जो है प्रोनाउन पढ़ी होंगी, पर्सनल प्रोनाउन है. ठीक है, प्रोनाउन जो होती है वो आपकी कितने टाइप्स की होती है, आपने कितने केसेस आपने प्रोनाउंस के देखे होंगे. 3 केसेस होते हैं मेनली, तो जो हम मोस्ट ऑफ द यूज़ करते हैं, तो उसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, और उसी में आपके कुछ केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस. हियर वी आर यूजिंग द ऑब्जेक्टिव केस. ओके, यहाँ हम कोई पजेशन क्रिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ कोई नॉमिनेशन क्रिएट नहीं करेंगे, यहाँ हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. ओके, इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कभी भी अपोस्ट्रॉफ यूज़ नहीं होता है. दैट्स वाई वी आर यूजिंग YOURS. उसके साथ आप सिंसियरली भी यूज़ कर सकते हैं. आपको सिंसियरली की स्पेलिंग लर्न नहीं हो रही तो आप ट्रूली यूज़ कर सकते हैं, एंड फेथफुली भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, और कोई एप्लीकेशन आप स्कूल अथॉरिटी के लिए लिख रहे हो तो आप उसमें ओबीडिएंटली भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. So in this slide, we are taking the first step, means first type of letter. Or first में था हमारा inquiry letter. What type of inquiry letters are? An inquiry letter is a formal letter written to inquire and get details regarding something that a person wants to gain further knowledge about. ये एक formal letter होता है जो कि किसी भी चीज़ की नॉलेज के लिए, किसी भी चीज़ को इंक्वायर करने के लिए, उसकी डिटेल्स लेने के लिए, ताकि आप उसकी डेप्थ नॉलेज लेने के बाद ही आपको डिसाइड कर पाओ. तो उस किसी भी चीज़ के लिए इंक्वायर आप जब करना चाहते हैं, इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको इसी टाइप का लेटर लिखना होता है, जिसमें कि एक पर्सन जो है वो फर्दर नॉलेज किसी भी चीज़ की जो होती है उसको गेन करने की कोशिश जब करता है, गेन करना चाहता है, उसी के लिए इंक्वायरी की जाती है. तो इसमें आपको, आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ इंक्वायरी की स्पेलिंग 2 अलग अलग दी हुई है, बोथ आर करेक्ट. ओके, दोनों स्पेलिंग्स होती हैं.
फॉर्मल लेटर में आपको फॉर्मेट बताया गया है, फॉर्मेट फॉलो करना है और उसकी वर्ड लिमिट्स होती है 100 to 120 वर्ड्स. दिस इज़ टू बी रिमेम्बर्ड. ओके, नेक्स्ट इज़ टू इंक्वायर एंड गेट डिटेल्स. इसमें आपको किस किस चीज़ के लिए इंक्वायरी करने के लिए लेटर्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में. एन आइटम टू बाय, अ कोर्स टू स्टडी, अ वेकेशन ट्रिप. इन तीनों से ही रिलेटेड मोस्टली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इसमें आपको क्या क्या ऐड करना है, मस्ट इंक्लूड. जब आप इंक्वायरी कर रहे हो तो उस लेटर में आपको ये चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है. सेंडर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डिटेल्स इंक्वायर्ड अबाउट. सेंडर का कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर भेजना है आपको. लास्ट में जब आप सब्सक्रिप्शन में अपना नेम मेंशन करेंगे तो वहाँ आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन करनी होगी. ओके, क्योंकि अगर आप वो मेंशन नहीं करेंगे तो आपको वो कहाँ कॉन्टैक्ट करेगा. नेक्स्ट जो है, डिटेल्स इंक्वायर्ड अबाउट. जिस चीज़ के बारे में आपको इंक्वायरी करनी है उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी कि आपको क्या क्या इंक्वायरी करनी है. ओके, क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए वो आपको मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई व्यूज एंड माई पॉइंट्स, माई एक्सप्लेनेशन. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन आस्क मी. ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस स्लाइड आई एक्सप्लेन्ड यू which type of letters are there for inquiry, how can you write this one. आपके सामने यहाँ मैंने एक example शेयर किया है जिसमें कि आपको एक question दिया है, your brother Pratik wishes to join personality development course after his BTech. आपका brother Pratik जो है वो अपनी class BTech के बाद personality development का course करना चाहता है. write a letter to persona पर्सनालिटी सेंटर इंक्वायरिंग अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस. आपको यहाँ पर्सोना पर्सनालिटी सेंटर जो है वहाँ पर इंक्वायरी के लिए वहाँ के टर्म्स और कंडीशंस को जानने के लिए आपको एक लेटर लिखना है ताकि आप अपने ब्रदर का एडमिशन वहाँ करवा सके. यू आर श्रुति शर्मा, स्टेइंग एट हाउस नंबर 63, सेक्टर 15, मयूर विहार, न्यू दिल्ली. आप ये चीज़ माइंड में रखिए कि आपको काफ़ी टाइम्स ये कंफ्यूजन होता है कि मैम हमें सेंडर्स एड्रेस नहीं मिल पा रहा है क्वेश्चन में, हमें मैम रिसीवर्स एड्रेस नहीं मिल पाता. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको जब यू आर करने के बाद में जो भी एड्रेस दिया जाता है, नेम दिया जाता है, वो सेंडर्स एड्रेस होता है. क्लियर? लाइक यू आर श्रुति शर्मा, ये आपका सब्सक्रिप्शन में नेम चला जाएगा. स्टेइंग एट हाउस नंबर 63, सेक्टर 15, मयूर विहार, न्यू दिल्ली, ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया. और आपको जब ये लाइन दी जाती है, राइट अ लेटर टू, टू के बाद में जो एड्रेस और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है वो होता है आपका रिसीवर्स एड्रेस. ओके, वो आपको रिसीविंग में लिखना होता है. यहाँ है पर्सोना पर्सनालिटी सेंटर. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें खुद भी ऐड करनी होंगी, जैसे पर्सोना पर्सनालिटी सेंटर आपको तो दिया है, बट इसमें आपको उस पर्सन का उस मतलब हेड के बारे में नहीं लिखा है जिसको आपको लेटर लिखना है. पर्सनालिटी सेंटर है तो वहाँ के मैनेजर को आप लिख सकते हो. ओके, तो आपको फर्स्टली लिखना होगा द मैनेजर, देन यू विल राइट द अथॉरिटी नेम. ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना होगा, पर्सोना पर्सनालिटी सेंटर, और नेम आप न्यू दिल्ली लिख सकते हैं. न्यू दिल्ली में ही अगर करना है तो, अगर कहीं बाहर का आप लिखना चाहते हैं तो बाहर का नेम आप मेंशन कर सकते हैं. क्लियर? तो आपको यहाँ पर एक ये पूरा एग्जांपल दिया गया है, 63 सेक्टर 15 मयूर विहार न्यू दिल्ली, इट इज़ द सेंडर्स एड्रेस. देन डेट, डेट का फॉर्मेट आप यही लिखिएगा जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है, 15 July 2020. ओके, नेक्स्ट इज़ द मैनेजर पर्सोना पर्सनैलिटी सेंटर मयूर विहार न्यू दिल्ली. ओके, एंड द सब्जेक्ट इज़ इंक्वायरी रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स. यहाँ पर देखिए आप फ्रेज में लिखा है, कोई फुल सेंटेंस आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगा. कंप्लीट सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट मेंशन किया गया है. नेक्स्ट इज सर, और आपको कहीं पर भी कोई कॉमा यूज़ नहीं करना है. मींस जैसे आपको फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस में कॉमा यूज़ किए गए हैं वो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद में आपको लास्ट में लिखा करते थे, सर के बाद लिखते थे, है ना, वो आपको नहीं यूज़ करना है. रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड 10 July 2020. आई विश टू इंक्वायर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स. यहाँ पर मैं आपको
कुछ एक पॉइंट्स जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं उनके लिए शेयर करना चाहूँगी। जो मैंने आपको यहाँ फर्स्ट लाइन शेयर की है, यहाँ पर आप उसको क्रैम कर सकते हैं, उसको रटने के बाद आप उसमें कुछ चेंजेस बाद में कर सकते हैं। ओके, किसी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनको मीन्स अपने लैंग्वेज पर इतनी कमांड नहीं होती है और उस वजह से उनको ये सफ़र करना पड़ता है कि वो उनकी लैंग्वेज अच्छी ना होने की वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मीन्स उनके पास नॉलेज होती है बट वो लिख नहीं पाते हैं। तो आप इसमें फर्स्ट लाइन जो है वो क्रैम कर सकते हैं, रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड, या डेट चेंज करके आप उसके बाद एक और लाइन जो है उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, आई विश टू इंक्वायर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द, उसके बाद आप उसी टॉपिक को लिखेंगे जिस टॉपिक पर आपको इंक्वायरी करनी है। माई ब्रदर हैज़ जस्ट फिनिश्ड बी टेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन दिल्ली, सिक्योरिंग 80% मार्क्स। ही हैज़ बीन प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी एंड हैज़ टू ज्वाइन द सेम आफ्टर 2 मंथ्स। ओके, यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा कि उसने यहाँ पर्पज़ लिखा है, पहले अपना इंट्रोडक्शन कम्प्लीट किया है। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड दिस टॉपिक इज़ कंटिन्यूड, दिस लेटर इज़ कंटिन्यूड विच वॉज स्टार्टेड इन द प्रीवियस स्लाइड, दैट ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, प्लीज़ लेट मी नो द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ आप इस लाइन को क्रैम कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो द फॉलोइंग डिटेल्स, इसके जस्ट बाद में आपको वो डिटेल्स लिखनी होंगी, जैसे यहाँ लिखी है एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग्स, चार्जेस एंड मोड ऑफ पेमेंट्स, साइज ऑफ बैचेस एंड टीचिंग मेथड्स, फैकल्टी डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन इफ एनी, करिकुलम डिटेल्स। तो इस टाइप के पॉइंट्स बनाकर ही आप लिखें तो बेटर होगा, आप पैराग्राफ में ना लिखें, आप जो आपको डिटेल्स पूछनी है, इंक्वायरी है आपकी, उनको पॉइंट्स में ऐसे लिखें। ओके, इट शोज़ द ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। आई होप दैट यू विल डिस्पैच द अबव डिटेल्स एट द अर्लीस्ट। ओके, यहाँ पर आप इस लाइन को भी क्रैम कर सकते हैं, थैंक यू इन एंटिसिपेशन। ये दोनों लाइन जो है आप कॉपी कर सकते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में प्रॉब्लम ना हो, बस आपको जो मेन एक्सपोजिशनल पोर्शन होगा उसी में आपको माइंड अपना ज़्यादा यूज़ करना होगा, बाकी एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड एट लास्ट द सब्सक्रिप्शन इज़ गिवन हियर, योर सिंसियरली श्रुति शर्मा। यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं लिखी हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उसका सेंडर का एड्रेस आ चुका है। ओके, यहाँ आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द कंप्लेन लेटर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वॉट इज कंप्लेन लेटर। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ इट हैपेंड दैट यू बॉट अ प्रोडक्ट एंड इट टर्नड आउट टू बी डिफेक्टिव? दिस सम क्वेश्चंस आर पुट अप हियर टू एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू अवेल ऑफ पब्लिक सर्विस एंड वर लेफ्ट डिससेटिस्फाइड? डिड यू एवर नोटिस एनी प्रॉब्लमैटिक प्रैक्टिस टेकिंग प्लेस एट अ पब्लिक प्लेस? वॉट डू यू डू इन सच सिचुएशंस? मीन्स कि ये जो टॉपिक्स आपको मेंशन किए गए हैं इनके अकॉर्डिंग ही कंप्लेंट लेटर्स लिखे जाते हैं। किसी प्रोडक्ट को परचेज किया और वो डिफेक्टिव है और पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो आप उससे डिससेटिस्फाइड हो उसको लेकर भी, और पब्लिक प्लेसेस पर आपने कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को देखा उसके लिए, और इस टाइप की ही कुछ सिचुएशंस जिनके लिए हम लेटर्स लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू नॉट टेक एनी एक्शन इन सच सिचुएशंस बिकॉज ऑफ व्हिच द प्रॉब्लम डज नॉट गेट द अटेंशन इट डिजर्व्स एंड हेंस नेग्लिजेंस इंक्रीजेस। यहाँ पर जो है काफ़ी बार हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए क्योंकि प्रॉब्लम जो होती है वो डज नॉट गेट द अटेंशन इट डिजर्व, जितना वो अटेंशन डिजर्व करती है ना उतना हम अटेंशन उसको देते नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए जो नेग्लिजेंस होता है वो बढ़ता रहता है। द मोस्ट कॉमन वे टू एड्रेस सच प्रॉब्लम्स एंड टू मेक श्योर दैट योर रेज्ड वॉइस इज हर्ड इज टू राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटीज़। और ये कॉमन वे माना गया है कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब किसी प्रॉब्लम को सही करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को आप लेटर लिख सकते हैं। समटाइम्स द एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी अवेयर अबाउट द ट्रबलसम इश्यूज़
विच मेक इट क्राइंग नीड ऑफ टाइम टू रिपोर्ट दैम। ऐसा काफ़ी बार होता है कि हम हमारी जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो किसी प्रॉब्लम्स को लेकर, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर वो अवेयर नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो उनको रिपोर्ट करने का टाइम होता है, जो ज़रूरत होती है, वो नहीं हो पाती है। ओके, आप मतलब उनको कंप्लेन करते हो, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर आप उनको प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाते हो, तो ये ट्रबल सम इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते हैं। अ कंप्लेन लेटर इज़ अ टाइप ऑफ लेटर रिटन टू एड्रेस एनी टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग। किस लिए लिखा जाता है? कोई भी रॉन्ग डूइंग, कोई भी गलत काम हो रहा है उसके लिए, ऑफेंस हो रहा है उसके लिए, ग्रीवेंस हो रहा है उसके लिए, रिसेंटमेंट हो रहा है उसके लिए। और रिसेंटमेंट जो होता है वो किसके लिए होता है? एक प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ओके, अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको नहीं आ रहे होंगे। आई थिंक मीन्स यहाँ रॉन्ग डूइंग जो है वो गलत काम के लिए यूज़ किया गया है। ऑफेंस का मीनिंग होता है कोई भी अपराध करना, कोई अपमान करना, है ना। और ग्रीवेंस होता है किसी चीज़ को लेकर कोई शिकायत होना। और नेक्स्ट है आपका रिसेंटमेंट, यहाँ होता है नाराज़गी किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रोडक्ट को लेकर, किसी सर्विस को लेकर। जब आपके मन में कोई नाराज़गी होता है, रिसेंटमेंट होता है, तो वो चीज़ के लिए आप कंप्लेन लेटर सेम अथॉरिटी को, सेम ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हो। इट इज़ यूज टू रेज योर कंसर्न अबाउट अनफेयर थिंग्स एंड सीक अ प्रोडक्टिव आउटकम। यहाँ पर जो है आपने अपने कंसर्न को रेज कर सकते हो अनफेयर थिंग्स के लिए, और प्रोडक्टिव आउटकम को सीख कर सकते हो, आप उसका पता कर सकते हो, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की आप मीन्स कोशिश कर सकते हो, ताकि आप अपना कंसर्न शो कर सको। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन टू सीक जस्टिस अराइजिंग आउट ऑफ एनी इनजस्टिस। ये एक फंडामेंटल राइट होता है, ड्यूटी होती है एक सिटीजन की, जो कि आप किसी भी इनजस्टिस के लिए, आप जब जस्टिस चाहते हो तो वो जस्टिस चाहना एक राइट होता है ह्यूमन बींग का, एक ड्यूटी होती है। एंड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड इट इज़ फाइलिंग अ कंप्लेन। और इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है? कंप्लेन फाइल करना। इट इंस्पायर्स अदर ट्रबल्ड कंज्यूमर्स, इन्फ्लुएंसेस द कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक प्रॉपर एक्शन एंड मेक्स द डिफॉल्टर्स मोर लायबल, रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव। यहाँ पर जो होता है, ये ट्रबल्ड कस्टमर्स जो होते हैं उसको इंस्पायर करती है ये चीज़, और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती है ना, एक प्रॉपर एक्शन लेने के लिए और डिफॉल्टर्स को मोर लायबल, रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इन्फ्लुएंस होती है, मतलब वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे कि वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, इसीलिए हम ये लेटर लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कंप्लेन लेटर के, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस स्लाइड, सम फॉलोइंग टाइप्स आर गिवन हियर ऑफ द कंप्लेन लेटर। टू पॉइंट्स आर गिवन, पर्सनल कंप्लेन लेटर एंड सेकेंड इज प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर। टू टाइप्स ऑफ लेटर आर इंक्लूडिंग इन कंप्लेन लेटर। तो फर्स्ट, पर्सनल कंप्लेन लेटर जो है, द टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर यू राइट ऑन योर ओन इंडिविजुअल लेवल पर्टेनिंग टू योर इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस इज रेफर टू एज अ पर्सनल कंप्लेन लेटर। जब आप किसी अपनी पर्सनल परेशानी के लिए, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, उस चीज़ के लिए आप किस टाइप का कंप्लेन लेटर लिखते हो, तो वो इसके अंडर में आता है, पर्सनल कंप्लेन लेटर। ओके, सेकंड इज़ प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर। इट इज़ द टाइप ऑफ कंप्लेन लेटर दैट इज़ रिटन ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर्टेनिंग टू इश्यूज़ दैट आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। जब आप अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पूरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, उसके बिहाफ पर आप कोई लेटर लिखते हो, तो वो होता है प्रोफेशनल कंप्लेन लेटर। ओके, यहाँ पर आपको कुछ और टॉपिक्स दिए गए हैं जिसके लिए लेटर्स लिखे जाते हैं, टॉपिक्स फॉर राइटिंग अ कंप्लेन लेटर। किस किस के लिए लिखे जाते हैं? इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव ऑर्डर, एबनॉर्मल डिले इन सेंडिंग द कंसाइनमेंट, द गुड्स अराइव इन अ डैमेज कंडीशन, नेक्स्ट इज द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वर ऑर्डर्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स is not what was ordered, next is goods are delivered at the wrong address, next is
work undertaken is done unsatisfactorily. Next is misbehavior of staff or salesman. Next, mistake in preparing the invoice. Next, defective packing that might lead to the damage of goods in transit. Next is mistakes in a bill or reminders for payment after the bill has been paid, etc. These type of mistakes. और कुछ अदर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, रॉन्ग डूइंग इन पब्लिक, रैश ड्राइविंग ऑफ द डीटीसी ड्राइवर्स, पुअर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, एनी अदर, और भी इस टाइप के कुछ इश्यूज होते हैं, जितने इश्यूज हम लिखेंगे कम हैं, तो सब टाइप के इश्यूज जो होते हैं वो इश्यूज के लिए कंप्लेन लेटर लिखना आप यहाँ से सीख सकते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम एक्सप्लेनिंग यू द एग्जाम्पल एज वेल. In this slide, I'm showing you the example of complaint letter. Okay, look at the question firstly. Write a letter to the in charge of textbooks section of NCERT, New Delhi, complaining about the non-availability of textbooks even 1 month after beginning of new session. You are Rohit Rana, reading in St. Xavier's School, Delhi. आपको यहाँ textbook के इंचार्ज को letter लिखना है, जो कि NCERT section की textbooks हैं न्यू दिल्ली से, और आप उसको कंप्लेन कर रहे हो कि वहाँ जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं इवन 1 month आफ्टर बिगिनिंग ऑफ न्यू सेशन. न्यू सेशन के स्टार्ट होने के 1 महीने के बाद भी वो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल नहीं हैं. आपका नाम है रोहित राणा, आप सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली से. ओके, तो मीन्स आपका यहाँ जो आपका एड्रेस है ये है सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली. ओके, क्योंकि आप उसके बिहाफ पर ही लिख रहे हो, आपको डेट मेंशन की गई है. उसके बाद में आपको किसको ये लेटर लिखना है, नॉर्थ वेस्ट सुपरवाइज़र एनसीईआरटी ऑफिस पीतमपुरा दिल्ली. यहाँ आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो. क्योंकि यहाँ आपको देखो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया है, राइट ए लेटर टू द इंचार्ज ऑफ टेक्स्ट बुक्स सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी, इसीलिए यहाँ सुपरवाइज़र लिखा गया है, क्योंकि जो इंचार्ज होता है वो आप सुपरवाइज़र मेंशन कर सकते हो. ओके, इंचार्ज भी मेंशन कर सकते हो. ओके, और नेक्स्ट दिया है एनसीईआरटी ऑफिस विच इज़ गिवन हियर. ओके, सेक्शन ऑफ एनसीईआरटी, और लास्ट में आप पीतमपुरा दिल्ली, यहाँ दिल्ली का कोई एड्रेस लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कंप्लेन रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स, आपको दिया भी हुआ है कंप्लेनिंग अबाउट द, यहाँ पर कंप्लेन रिगार्डिंग नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स दिया हुआ. ठीक है, नेक्स्ट इज द सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट इवन आफ्टर अ मंथ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल एट एनी बुक स्टोर. यहाँ पर इसने मेंशन किया है स्टार्टिंग से ही, इंट्रोडक्शन दिया है पहले कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका पर्पस क्या है ये लेटर लिखने का, तो यहाँ इंट्रो दिया गया आप देख सकते हो. ओके, I'm continuing this letter in the next slide. In this slide, this part is continued here. Students have to attend the school without textbooks. Some are borrowing the older versions of their seniors with outdated syllabus. This is resulting in problems in learning and understanding. Okay, the lectures teachers are delivering are not having an impact on the students. यहाँ पर ये जो एक्सपोजिशनल पोर्शन आ गया है, यहाँ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दी गई है. बुक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लर्निंग एंड सर मैडम आई होप यू अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन. आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरटेक अ क्विक एक्शन इन मेकिंग द बुक्स अवेलेबल एज सुन एज पॉसिबल. इस लाइन को आप क्रैम कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी परफेक्ट लाइन. आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरटेक अ क्विक एक्शन इन, आकी का आप टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो. आई होप माई कंप्लेन डज नॉट फॉल इन टू डी फियर्स, ये लाइन भी आप कॉपी कर सकते हो. एट लास्ट द सब्सक्रिप्शन इज गिवन हियर, योर सिंसियरली रोहित राणा. लास्ट में आप स्टूडेंट भी मैंशन कर सकते हो. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. एट लास्ट आई थैंक यू ऑल टू वॉच माई वीडियो वेरी पीसफुली, साइलेंटली and with full of concentration to understand this topic. Okay, आप ऐसे ही videos को देखते रहे हैं. अगर आपको कोई भी problem है, if you have any problem regarding any point of the letter, then you can share me the message or comment.
ओके, थैंक यू सो मच. एंड वन मोर थिंग, आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.